मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा, चलेगा। लास्ट क्लास में हम सभी प्रीपोजिशन को ही पार्ट वन के क्लास में पढ़े थे। उसमें हम सभी ने देखा था कि प्रीपोजिशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और कुछ हमने प्रीपोजिशन को सीखा था, जैसे इन, इनटू, ऑन, अपॉन, विथ, बिटवीन, अमंग और फ्रॉम, टू, बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस को सीखे थे। आज की क्लास में हम सभी प्रीपोजिशन को ही कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास पार्ट टू होगी, तो उसमें हम सभी सीखेंगे कब प्रीपोजिशन का यूज करना है, कब प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है, और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ही फॉलो किया जाता है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम सभी। पहला रूल हम सभी का है, कौन कौन से वर्ड्स हो जाएंगे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंडे। मंडे का मतलब मंडे ही पर्टिकुलर नहीं, कोई भी डे का नाम समझ लेंगे। या एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस समर, दिस विंटर, दिस इवनिंग, ऐसे कुछ भी एक्सप्रेशन दिए हो सेंटेंस में, इन सभी के साथ एट, ऑन, इन, या हम कह सकते हैं किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा इन नेक्स्ट मंथ, इन द नेक्स्ट मंथ तो हमने देखा है, इन द लास्ट नाइट, तो जब द लग जाए तो लगेगा इन द नेक्स्ट मंथ, क्योंकि ये बात पता है कि जो भी हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, इनके साथ द का प्रयोग होता है, तो जब द लग जाएगा तो हो सकता है, लेकिन जब द स्किप किया हो तब इनके साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो इस बात को समझिएगा आप लोग, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जैसे एग्जांपल है, आई सॉ हिम इन लास्ट ईयर, तो यहाँ पे इन का प्रयोग निरर्थक है, मीनिंगलेस है, यहाँ इन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका कोई मीनिंग भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा इसका करेक्ट, आई सॉ हिम इन लास्ट ईयर को गलत करके, आई सॉ हिम लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल उसको देखा, पिछले साल में देखा, पिछले साल को देखा, पिछले साल पर देखा, ऐसा कुछ भी नहीं यूज करेंगे, पिछले साल देखा, ठीक ना। अगला देखेंगे, ऐसा नेक्स्ट ईयर भी, नेक्स्ट मंथ भी कर सकते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो कैसे बनेंगे, एग्जाम में जब क्वेश्चंस बनते हैं तो कई बार चार ऑप्शंस दे देते हैं और बोल देता है कि कौन सा सही है। ऐसा नहीं है कि आपको इसी प्रकार का प्रश्न पूछे कि फिल इन द ब्लैंक्स और एरर, कई बार प्रीपोजिशन से रिलेटेड चार ऑप्शंस दे देंगे और चार ऑप्शन में करेक्ट इनकरेक्ट वाले बना देता है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो हम सभी ने लिखा है कि इनके साथ एट इन ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना। अगला रूल है, यस्टरडे एंड टूडे के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता। जैसे कह दिया जाए, मैं तुमसे कल मिली, आई मेट यू इन यस्टरडे, एट यस्टरडे, ऑन यस्टरडे, विथ यस्टरडे, फ्रॉम यस्टरडे, कुछ भी नहीं, सब कुछ गलत है। मैं तुमसे कल मिली, आई मेट यू यस्टरडे, ऐसा नहीं कि टू यस्टरडे या टू यू यस्टरडे, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है, सब कुछ गलत है। ऐसे टूडे के साथ भी कुछ भी नहीं यूज हो जाएगा, होगा तो हो जाएगा, एग्जाम्पल देखेंगे, आई सा ऑन टूडे, गलत है, आई सा टूडे हिम, मैंने आज उसे देखा, आई सा टूडे हिम, तो यहाँ पे देखिए ऑन का प्रयोग स्किप कर दिया गया, ऑन गलत है यहाँ, ही केम टू मी ऑन यस्टरडे इवनिंग, यहाँ भी गलत है, इसका करेक्ट हो जाएगा, ही केम टू मी यस्टरडे इवनिंग। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, चलेगा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, कम, गो, अराइव, गेट, सेंड, टेक, ब्रिंग, ये सब क्या है, ये सब वर्ब्स हैं। तो इन सभी के बाद यदि होम का प्रयोग हो तो होम के साथ क्या होगा जाएगा, वैसे तो होम के साथ हम सभी देखे हैं एट लगता है, लेकिन यदि क्या हो, कम हो, सेंड हो, गो हो, अराइव हो, गेट हो, टेक हो, ब्रिंग हो, इनके साथ यदि होम लगा है, हाउस नहीं, होम, यदि होम लगा है तो क्या हो जाएगा, इनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, अदरवाइज एट का प्रयोग होम के साथ लगता है, ठीक है। तो क्या है, इनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, अराइव के साथ एट लगेगा, लेकिन कब, जब होम का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, आई एम गोइंग टू होम, गलत है, देखिएगा होम लगा है, हाउस होता, रेजिडेंस होता तो लग सकता था, लेकिन होम है, आई एम गोइंग होम, ये करेक्ट हो जाएगा,
टू प्रीपोजिशन कुछ भी यहाँ नहीं लगेगा। He sends to his parcel, तो he sends his parcel correct है, to his parcel incorrect है। आगे का रूल है ask, enter, discuss, reach, attack, describe, answer, approach और resemble तथा climb। कौन कौन से verbs हैं? क्या है हम सभी का? ask, enter, discuss, reach, अटैक, डिस्क्राइब, आंसर, अप्रोच, रिजेम्बल और क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना। ऐसे वर्ब्स के बाद क्या हो जाएगा? यदि कोई भी वर्ड आए तो उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ लगता है ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगता ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अदरवाइज यदि रिजेम्बल के साथ टू लग जाए, एज लग जाए, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। कब लग सकता है? जब ये फ्रेजल वर्ब बने। जैसे कहते हैं कि आई आस्क्ड यू फॉर इट, मतलब मैंने तुमसे ये मांगा। आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना। आस्क के साथ फॉर लगेगा, लेकिन जब फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होगा तब इनके साथ या तुरंत प्रीपोजिशन की आवश्यकता हो तो प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं कर सकते। ठीक ना? तो देखेंगे दे इंटर्ड इनटू द हॉल गलत है, इंटर्ड द हॉल होगा। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जब जैसा कि आप सभी पढ़े हैं कि इंटर के साथ इनटू या मोशन हो तो इनटू लगता है, लेकिन जब इंटर वर्ड के साथ मोशन की बात हो तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग गलत हो जाएगा। इनटू को यहाँ रिमूव कर देना पड़ेगा। तो हम सभी का एग्जैक्ट रूल हो जाएगा, एग्जैक्ट सेंटेंस दे इंटर्ड द हॉल, इनटू द हॉल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ही रीच्ड एट द स्टेशन। कई बार यूज करते हैं रीच दैट द स्टेशन, बट ये गलत है, इनके साथ नहीं यूज होगा। अराइव होता तो एट लग सकता था, लेकिन यहाँ पे हम सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम सभी को एट का प्रयोग नहीं करना है, स्किप कर देना है। आगे देखिए तुम पर हमला हुआ, अटैक तो वर्ड यूज करते हैं और हिंदी में पर भी यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में अटैक के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। द आर्मी अटैक्ड ऑन द टाउन, यहाँ पर हो जाएगा द आर्मी अटैक्ड द टाउन, ऑन द टाउन गलत हो जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है? आस्क हो गया, इंटर हो गया, अटैक हो गया, रिजेम्बल हो गया, क्लाइंब हो गया, डिस्क्राइब हो गया, इन सभी वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट है। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट, कहते हैं ना इस इंसिडेंट के बारे में वर्णन किया, कहानी को वर्णन किया। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना। तो डिस्क्राइब के साथ एट, ऑन, अपॉन सब कुछ गलत है। डिस्क्राइब के साथ नो प्रीपोजिशन, तो डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट गलत हो जाएगा। ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट करेक्ट है। ठीक है, डिस्क्राइब मी दैट स्टोरी, तो अबाउट दैट स्टोरी ऐसे नहीं करेंगे। तो ये सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझिएगा कहाँ प्रीपोजिशन यूज होता है, कहाँ प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। लेकिन जब किसी चीज में पार्टिसिपेट करने की बात करें तो इंटर के साथ इंटू का प्रयोग हो सकता है। जैसे मैंने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया तो आई इंटर्ड इंटू, है ना, इस तरीके से लग सकता है, इन ड्रामा कंपनी या इंटू ड्रामा कंपनी। ड्रामा कंपनी में प्रवेश नहीं किया, ड्रामा कंपनी में पार्टिसिपेट किया, ऐसे सेंस में इंटर के साथ इंटू लग सकता है। अदरवाइज प्रवेश का सेंस जब निकलेगा तो इंटर के साथ इंटू प्रयोग नहीं होगा। तो आई होप आप इसको समझे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। कुछ और रूल हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या पॉइंट है? कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके बाद क्या हो जाएगा, टू का ही प्रयोग होगा। कह रहा है यदि इन वर्ब्स के साथ किसी पर्सन को एड्रेस किया जाए, जब किसी पर्सन को एड्रेस करते हैं तो कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ टू का प्रयोग होता है। वो वर्ब्स कौन कौन से हैं? गो, कम, राइट, लिसन, स्पीक, रिप्लाई, टॉक और कंप्लेन तथा एक्सप्लेन और से, ये वर्ब्स हैं। इनके साथ यदि किसी पर्सन को एड्रेस किया जाएगा तो टू का प्रयोग किया जाएगा और कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेट्स सी एग्जांपल्स। वी गो टू मोहन एवरी डे, यहाँ पे देखिए वी गो टू मोहन एवरी डे, तो यहाँ पे मोहन को एड्रेस किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है टू का प्रयोग गो के साथ। शी राइट्स टू मी एवरी मंथ, तो यहाँ पे भी ये करेक्ट है,
पर्सन को एड्रेस दिया गया, शी राइट्स टू मी एवरी मंथ, ये भी करेक्ट है। आगे देखेंगे, दे लिसन टू मी पेशेंसली, मतलब धैर्य के साथ उसने मुझे सुना। पर्सन को एड्रेस किया गया है मी, लिसन के साथ टू यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुहानी सेज टू सोनी दैट रानी विल डांस। यहाँ पे देखिएगा, वैसे तो से और से टू के साथ टू पढ़े हैं आप, लेकिन प्रीपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन को जब एड्रेस किया जाएगा तो भी यहाँ पे टू करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल, मे आई स्पीक या मे आई टॉक या मे आई कंप्लेन टू द मैनेजर। कंप्लेन टू, कंप्लेन अगेंस्ट भी लगता है, लेकिन कब लगता है, जब किसी के खिलाफ कार्रवाई की बात करे, खिलाफ कंप्लेन की बात करे, तो कंप्लेन के साथ अगेंस्ट लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टू लगेगा क्योंकि पर्सन को एड्रेस किया गया है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे समझना अनिवार्य है। क्या पॉइंट था, गो कम राइट लिसन स्पीक रिप्लाई टॉक कंप्लेन और एक्सप्लेन तथा से के साथ यदि पर्सन को इंडिकेट किया जाए, पर्सन को एड्रेस किया जाए, तो इनके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। आगे पॉइंट है, लेकिन टेल ऑर्डर इनवाइट रिक्वेस्ट कंप्लेन तथा अलाउ के बाद सीधे टू का नहीं प्रयोग किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद टू का प्रयोग किया जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, गो कम राइट लिसन स्पीक रिप्लाई टॉक कंप्लेन एक्सप्लेन और से के साथ तुरंत टू का यूज होगा, लेकिन यदि और टू का यूज होने के बाद किसी पर्सन को इंडिकेट किया जाएगा, लेकिन यदि टेल हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, अलाउ हो गया, कंपेल हो गया, इनवाइट हो गया, तो इन सभी वर्ब के साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद टू का प्रयोग किया जाएगा, तुरंत टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका एग्जांपल देखिएगा, ही टोल्ड मी टू सी द प्रिंसिपल, ही टोल्ड टू सी द प्रिंसिपल नहीं, ही टोल्ड मी टू सी द प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, ही टोल्ड मी टू सी द प्रिंसिपल में देखिएगा सी इन्फिनेटिव की तरह यूज हुआ है, टू के साथ उनका फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद। नेक्स्ट एग्जांपल, दे ऑर्डर्ड मी टू, दे ऑर्डर्ड टू मी नहीं होगा, ठीक है, समझिएगा, दे ऑर्डर्ड टू मी ना होकर के दे ऑर्डर्ड मी करेक्ट होगा, तो दे ऑर्डर्ड मी टू कम नेक्स्ट वीक, दे ऑर्डर्ड टू मी होता तो गलत हो जाता, ठीक है। ऑर्डर्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, आफ्टर ऑब्जेक्ट वी विल यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। They invited me to lunch. Invited to me lunch नहीं, invited me to lunch. ठीक ना? The chairman compelled them to resign. Compel means होता है मजबूर करना, दबाव डालना, किस चीज के लिए, resign करने के लिए, इस्तीफा देने के लिए। तो समझ आ रहा है, tell, order, request, allow, इन सभी वर्ब के साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा, आफ्टर ऑब्जेक्ट वी विल यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसको समझिएगा, इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन को देखेंगे, कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉलो होता है, उनको कभी भी स्किप नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन। तो कौन कौन से वर्ब्स हैं, अबस्टेन के साथ फ्रॉम, प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम, डिस्क्वालीफाइड के साथ फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम, स्टॉप के साथ फ्रॉम। इन फ्रॉम के साथ जब कोई प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो आईएनजी लगेगा, यदि कोई वर्ब आ रहा है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, अब्सटेन फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम। इनके साथ, इन सभी के साथ किसका यूज होता है, फ्रॉम का यूज हो सकता है। इसको जल्दी से याद कर लीजिए क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगेगा, डिजायरस के साथ ऑफ लगेगा, होपफुल के साथ ऑफ लगेगा, प्राउड के साथ ऑफ लगेगा, रिपेंट के साथ ऑफ लगेगा, फॉन्ड के साथ ऑफ लगेगा, थिंक के साथ ऑफ लगेगा, टायर्ड के साथ ऑफ लगेगा, ये सारे वर्ब्स के साथ ऑफ लगेगा, ठीक है। कौन कौन से वर्ब्स हैं, कॉन्फिडेंस, डिजायरस, होपफुल, थिंक, रिपेंट, फॉन्ड, कितना, और आपका टायर्ड, इन सभी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स लगेगा। इनके साथ यदि वर्ब आए तो आईएनजी, नाउन आए तो वैसे ही लिख देंगे। और कौन सा है, एडिक्टेड, मतलब होता है आदि होना किसी चीज में, किसी चीज का आदि हो जाना, एडिक्टेड होता है, एडवर्ब्स के साथ टू, स्टिक के साथ टू, एम के साथ एट लगता है, ठीक ना, असिस्ट के साथ इन लगता है, एक्सेल के साथ इन लगता है, फॉर्चुनेट के साथ इन लगता है, भाग्यशाली होना, ठीक है। तो
परसिस्ट इन सक्सीड इन सक्सेसफुली कितना एडिक्टेड के साथ टू अडोर्स के साथ टू अवर्स के साथ टू स्ट्रिक के साथ टू एम एट असिस्ट इन एक्सेल इन फॉर्चुनेट इन परसिस्ट इन सक्सीड इन सक्सेसफुली ये सारे वर्ब्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है तो उसको आप लोग यहाँ भी इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग कुछ और देखते हैं प्रीपोजिशन कर दिया ओके चलिएगा कुछ और फिक्स प्रीपोजिशन की बात करते हैं। कुछ और फिक्स प्रीपोजिशन के क्रम में हम सभी देखेंगे बैटल और बैटल। तो जब पर्सन बैटल मीन्स होता है युद्ध होना ठीक है लड़ाई होना। जब पर्सन के साथ बैटल की बात होती है तो विथ लगता है जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि विथ हो गया एट हो गया कई बार क्या होता है एंग्री है एट होगा एंग्री है विथ होगा। जब किसी के बिहेवियर पर गुस्सा होने की बात होगी तो एट हिज बिहेवियर हो जाएगा लेकिन पर्सन पर गुस्सा होने की बात होगी तो हो जाता है एंग्री या अग्री विथ यू एग्री विथ एट योर प्रपोजल एग्री या एंग्री विथ यू। तो इस तरीके से जब पर्सन की बात होती है तो विथ लगता है। यहाँ भी देखेंगे बैटल है बैटल के साथ जब विथ लगेगा तो पर्सन की बात होती है और बैटल के साथ फॉर की बात होगी तो जैसे किसी चीज के लिए लड़ा जैसे कह दिया जाए कि किसी चीज के लिए लड़ाई हुई तो बैटल फॉर किसी थिंग की नाम ले जाए लेकिन किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई हुई तो साथ के अर्थ में विथ का प्रयोग होगा ना। अगला देखेंगे कॉज है फॉर जब कॉज हो कॉज मीन्स होता है कारण एनजाइटी मीन्स होता है चिंता। जब किसी चिंता के लिए का कारण की बात हो तो हम सभी फॉर का यूज करेंगे जैसे कह दिया जाए कि मैं तुम्हारी चिंता की चिंता का कारण तो हो जाएगा कॉज ऑफ योर एनजाइटी। लेकिन यदि कॉज ना करके फॉर योर एनजाइटी हो जाएगा लेकिन यदि ट्रबल की बात हो कि तुम्हारे समस्या का कारण क्या है तो व्हाट इज कॉज ऑफ योर ट्रबल व्हाट इज कॉज फॉर योर एनजाइटी। एनजाइटी मीन्स होता है चिंता होना और ट्रबल मीन्स होता है समस्या या परेशानी। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ योर ट्रबल व्हाट इज द कॉज फॉर योर एनजाइटी तो फॉर एनजाइटी के लिए कॉज ट्रबल के लिए। अगला देखेंगे कंट्रोल के साथ ओवर लगता है पर्सन हो या थिंग हो दोनों के साथ कंट्रोल यदि नियंत्रण की बात होगी तो हमेशा ओवर लगेगा जैसे मैं तुम्हें नियंत्रित कर सकता हूँ आई कैन कंट्रोल ओवर यू मतलब तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे सारे एक्टिविटीज के ऊपर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ तो कंट्रोल ओवर यू। अगर कह दिया जाए किसी चीज पर नियंत्रण स्थापित करना तो कंट्रोल ओवर किसी चीज के नाम किसी चीज का नाम ले लिया जाए ठीक है। आगे बढ़ेंगे डिजायर डिजायर मीन्स होता है इच्छा होना जब किसी चीज की इच्छा हो जैसे कि मुझे ये करने की इच्छा है इस चीज की इच्छा डिजायर तो उसको हम लोग फॉर के साथ इंडिकेट करेंगे। आगे है अटेंशन अटेंशन और अटैचमेंट ये दो वर्ड है जिनके साथ टू लगता है आप ध्यान रखिए प्लीज अटेंशन टू है ना प्लीज अटेंशन अटैचमेंट दोनों वर्ड की बात हो तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। सारे चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। कंटेन और इंटरेस्ट तो ऐसे प्रीपोजिशन है जिनको हम सभी वॉइस में भी पढ़े थे इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है कंटेन इन इंटरेस्ट इन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रपोजल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू आई एम नॉट इंटरेस्टेड कोई भी चीज कह दिया जाए दिस बुक कंटेन्स इन दिस यूटेंसिल कंटेन्स इन तो कंटेन्स मतलब होता है किसी चीज को रखना और इंटरेस्ट मीन्स होता है रुचि होना दोनों के साथ इन लगता है। आगे है केयर ऑफ केयर केयर के साथ जब किसी सेफ्टी की चिंता की बात हो तो शी केयर्स फॉर योर सेफ्टी तो सेफ्टी के लिए केयर फॉर लगेगा लेकिन किसी बुक की बात हो तो क्या हो जाएगा केयर ऑफ मंथ किसी किताब की रखवाली करना ख्याल रखना तो केयर ऑफ लगेगा किसी व्यक्ति की सेफ्टी किसी व्यक्ति की बात हो तो केयर फॉर। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना जब किसी लाइक थिंग की बात हो तो विथ लगेगा किसी व्यक्ति के साथ तुलना करना कंपैरिजन लेकिन किसी अनलाइक थिंग की बात हो यानी किसी नॉन लिविंग की बात हो तो उसके साथ टू लगता है। आगे है अवेयर है अश्योर्ड है अवेयर मीन्स होता है जानकारी होना अश्योर्ड मीन्स होता है विश्वास दिलाना
बोस्टफुल मीन्स होता है डींग मारना या ज्यादा बोलना, केयरफुल आपको पता ही है, क्लियर है ही, और अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है भयभीत होना, डरना, तो अवेयर ऑफ, अश्योर्ड ऑफ, बोस्टफुल ऑफ, केयरफुल ऑफ और क्लियर ऑफ, अफ्रेड ऑफ इस तरीके से लगता है, अक्यूज्ड ऑफ लगता है, अशेम्ड ऑफ लगता है, बहुत सारे वर्ड्स के साथ ऑफ लगता है। तो ये सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ कोई ना कोई फिक्स प्रीपोजिशन ही फॉलो होता है, जब पर्सन हो तो, थिंग हो तो, हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन को ही ध्यान रखेंगे। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रीपोजिशन का, फिक्स प्रीपोजिशन का ये कड़ी चल रहा है, इसमें देखेंगे हम सभी पोलाइट और पोलाइट। पोलाइट मीन्स होता है विनम्र होना। कई बार इसका अपोजिट पूछ लेता है और एग्जाम में ऑप्शन दे देता है इनपोलाइट, इम्पोलाइट, अनडिस, कुछ भी दे दे, तो सफिक्स और प्रीफिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे कि कौन से सफिक्स और प्रीफिक्स से प्रीपोजिशन वो अपोजिट वर्ड बनते हैं। तो इम्पोलाइट होता है, तो इम्पोलाइट मतलब होता है पोलाइट का अपोजिट। पोलाइट हो, पर्सन हो तो टू, जैसे कह दिया जाए पोलाइट मतलब विनम्र, वह तुम्हारे प्रति विनम्र है तो हो जाएगा ही इज पोलाइट टू यू, ठीक ना। लेकिन यदि मैनर्स की बातों की व्यवहार में विनम्र है तो ही इज पोलाउट, पोलाइट इन हिज बिहेवियर या इन मैनर्स, मैनर्स मीन्स का व्यवहार। अगला है रेडी, रेडी अगर एक्शन की बात हो कि जैसे ये चीज करने के लिए तैयार है तो ही इज रेडी फॉर डूइंग इट, डूइंग दिस, या रेडी फॉर एक्शन। रेडी इन आंसर, यदि आंसर देने में रेडी हो, जैसे कहते हैं ना कि बहुत आंसर देने में रेडी है, फटाफट बताता है, तो ही इज रेडी इन गिविंग आंसर या आंसरिंग या आंसर, ठीक है, इन लगेगा। रेडी एक्शन के लिए हो तो फॉर लगेगा और आंसर के लिए हो तो इन लगेगा। पोलाइट हो पर्सन के साथ तो टू लगेगा, पोलाइट हो मैनर्स की बात तो इन लगेगा, इररिलेवेंट के साथ इन लगेगा। और मूव्ड मतलब किसी चीज की तरफ मूव करना, तो कहते ना मूव टू, मूव टू द पॉइंट, तो मूव के साथ टू लगता है। ऑफेंड, ऑफेंड मीन्स होता है विरोध करना, तो यदि ऑफेंड की बात हो तो ऑफेंड के साथ यदि पर्सन हो और थिंग हो, तो यदि ऑफेंड के साथ पर्सन हो तो विट लगेगा और ऑफेंड के साथ थिंग हो तो एट लगेगा, इसको ध्यान रखेंगे। बार बार ये देखिए विट और एट वाला आ रहा है, जब पर्सन हो तो विट लगेगा और कोई बिहेवियर की बात हो या नॉन लिविंग की बात हो तो इसके साथ टू लगेगा, तो इसके साथ एट लगेगा। अगला है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मीन्स होता है अलग होना, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मीन्स होता है कि किसी चीज में भिन्न होना, इसके साथ टू लगेगा। वैसे ही इनडिपेंडेंट है, इसके साथ ऑफ लगेगा। नटोरियस, नटोरियस मीन्स होता है बदनाम होना, इसके साथ ऑफ लगेगा। नोटोरियस की स्पेलिंग भी एग्जाम में बहुत बार आती है, NOTORIOUS, तो नोटोरियस NOTO रहता है, ध्यान रखना होगा। ऑबिलाइज्ड, ऑबिलाइज्ड के साथ टू लगता है, यदि आपको ध्यान हो तो वाइस पढ़ते समय नो, KNOW नो और ऑबिलाइज्ड, ये दो ऐसे वर्ड थे जिनके साथ टू लग रहा था, ध्यान है ना, तो नो हो ऑबिलाइज हो इनके साथ टू लगता है, इसके लिए पर्सन के लिए। और ओबिलाइज मीन्स होता है आज्ञाकारी होना, और पर्सन की जब बात होती है ओबिलाइज तब यहाँ से क्या होता है, ओबिलाइज पर्सन टू और थिंग की बात हो तो फॉर लगता है। अगला है इन्वेस्ट, इन्वेस्ट तो सभी लोग जानते हैं विद लगता है, इन्वेस्ट करते कहते इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्ट करना, तो इसके साथ विद का यूज किया जाता है। जीलस के साथ ऑफ लगता है, जीलस मतलब होता है ईर्ष्यालु होना, जीलस के साथ ऑफ, जीलस की स्पेलिंग भी एग्जाम में आती है। और एक वर्ड होता है एगर, एगर मतलब होता है उत्सुक होना, इसके साथ टू लगता है। और एक जीलस होता है ZEALO, जीलस, जीलस मीन्स होता है उत्साही होना, उसको कहते हैं जीलस। जीलस कहा जाए तो ईर्ष्यालु की बात हो रही है, लेकिन जीलस कहा जाए तो किसकी बात हो रही है, उत्साही व्यक्ति की बात हो रही है। ऐसे लॉयल है, लॉयल के साथ क्या लगता है, टू लगता है। लॉयल मीन्स होता है वफादार होना, यदि एनिमल और थिंग की बात हो तो फेथफुल यूज करते हैं, लेकिन यदि पर्सन की बात हो तो लॉयल यूज होता है, वह अपने कर्तव्य के प्रति लॉयल है, तो ही इज लॉयल टू हिज ड्यूटी, मैं तुम्हारे प्रति वफादार हूँ, आई एम लॉयल टू यू,
ऐसा नहीं लॉयल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वफादार हूँ, ऐसा गलत हो जाएगा। आई एम लॉयल टू यू, ही इज लॉयल टू हिज ड्यूटी, ऐसे लगेगा। तो लॉयल के साथ टू लगेगा। पॉपुलर है, पॉपुलर मीन्स होता है लोकप्रिय होना, तो जब व्यक्तियों की बात होगा तो विथ लगेगा, और जब व्यक्तियों की बात ना हो किसी के ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब होता है किसी की बहादुरी की बात हो उसके लिए, वह अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है तो फॉर लगेगा। लेकिन वह लोगों में पॉपुलर है तो लोगों के साथ, लोगों में ऐसे सेंस में हम किसका यूज करेंगे, हम लोग पॉपुलर के साथ विथ का यूज करेंगे। यहाँ पे विथ ही करेक्ट है, और बहादुरी के प्रति प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हम सभी को ब्रेवरी की बात हो रही है तो फॉर का यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम में आए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस विकसित हो, एक आइडिया मिले कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और रिवीजन भी हो जाए जो हम सभी ने पढ़ा है। दिस टेबल इज मेड, आपको पता है मेड के साथ दो प्रीपोजिशन फॉलो होते हैं, एक ऑफ होता है और एक फ्रॉम होता है। तो जब मेड के साथ ऑफ लगता है तो क्या रूल फॉलो होता है, और मेड के साथ फ्रॉम होता है तो क्या रूल फॉलो होता है, आपको बताया गया है। तो समझना होगा कि यदि मेड के साथ कोई भी चीज हो उसकी अवस्था परिवर्तित ना हो तो मेड के साथ हम सभी ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन यदि अवस्था परिवर्तित हो जाए तो हम सभी मेड के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दिस टेबल इज मेड वुड, वुड तो टेबल में दिख रहा है ना, उसका रूप परिवर्तित नहीं हुआ है, तो जब रूप परिवर्तित नहीं होगा तो हम सभी ऑफ का यूज करेंगे, इसलिए मेड ऑफ वुड हो जाएगा। लेकिन यदि रूप परिवर्तित हो जाए, उसके फॉर्म से चेंज हो जाए, तो फॉर्म का यूज करना है, फ्रॉम का यूज। कर्ड इज मेड, कर्ड बदल के मिल्क, मिल्क कर्ड बदल गया, बन गया है, तो मिल्क का सारा खत्म हो गया है जो भी छाप था, इसलिए फ्रॉम लगेगा। अगर टेबल को लकड़ी वापस बनाया जा सकता है लकड़ी का रूप, लेकिन दही को दूध वापस नहीं बनाया जा सकता, दूध को दही बनाया जा सकता है, दही को वापस नहीं बनाया जा सकता, इसका मीन्स उसका अवस्था चेंज हो गया है। आगे सेंटेंस है राम डाइड डैश ओवर ईटिंग, आपको दो पॉइंट ध्यान रखना होगा, यदि बीमारी से किसी की मृत्यु हो तो डाई के साथ ऑफ लगता है, यदि अदर रीजन से मृत्यु हो तो डाई के साथ फ्रॉम लगता है, जो कि आपको बताया गया है। तो चलिएगा, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, राम डाइड डैश ओवर ईटिंग एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस है मिस्टर रवि डाइड डैश मलेरिया, तो आपको ध्यान होगा कॉलरा का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। तो जब इस सेंटेंस में हम सभी ध्यान रखेंगे, जब किसी बीमारी से किसी की मृत्यु हो तो ऑफ लगता है, लेकिन अदर रीजन से किसी की मृत्यु हो तो फ्रॉम का यूज करते हैं, ऑफ का यूज नहीं करते हैं। तो उस आधार पर डाइड के साथ ओवर ईटिंग मतलब ज्यादा खाने से उसकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई, तो ज्यादा खाना एक बीमारी नहीं है, अदर रीजन है, इसलिए हो जाएगा कि इस राम इज डाइड। अब देखिए विथ लग नहीं सकता, टू लग नहीं सकता, तो हम सभी फ्रॉम करेंगे कि यानी ज्यादा खाने से उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब बीमारी की बात हो, जैसे कि पता है मलेरिया कॉलरा बहुत सारी बीमारियों का नाम है, तो यहाँ पे फ्रॉम तब नहीं लगेगा, विथ नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा, हमें आपको ही फॉलो करना है। और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे फिक्स वाले आ जाते हैं, कई बार बिना फिक्स वाले आ जाते हैं, और कई बार सेंस पे आ जाते हैं, तो प्रीपोजिशन का कोई एग्जैक्ट ऐसा तरीका नहीं है कि कहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा कि नहीं। हाँ, बहुत सारे रूल्स हैं जो कि आपको बताए गए और आगे भी बताए जाएंगे, लेकिन कुछ सेंस बेस्ड जो होता है तो उसको भी समझना होगा। अगला देखेंगे यू शुड कम हेयर डैश मंडे, तो टू मंडे, फ्रॉम मंडे, ऑन मंडे, विथ मंडे, एट मंडे क्या लगना चाहिए, तो आपको बताया गया है कि दिनों के नामों के पहले हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। तो दिन हमारा मंडे है, संडे है, कई सारे पॉइंट्स बताए गए थे कि यस्टरडे हो, टुडे हो, तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ऐसा हो एवरी डे तो भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, इंटर हो, अटैक हो, रिजेंबल हो, बहुत सारे वर्ड्स है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। उसी तरीके से आपको बताया गया था कि जब दिनों के नामों की बात हो तो एट का प्रयोग नहीं, ऑफ का प्रयोग नहीं, टू का प्रयोग नहीं, सिर्फ ऑन का प्रयोग होता है, ऑन मंडे,
कह दिया जाए मंडे को मिलेंगे ऑन मंडे। क्लास कब से शुरू होगी? ऑन मंडे। आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, तब भी देखिए ऑन लगा, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स।